press the bell icon for notification. दिल से निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ये वतन आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री की मिस्ट्री में। साथियों, भगत सिंह कहा करते थे कि मेरे हंसते हंसते फांसी चढ़ जाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी। देश के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना किसी के वश की बात नहीं होगी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम उन लम्हों के बारे में जानेंगे जब भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 23 मार्च सन 1931 की। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फांसी के कुछ लम्हों पहले भगत सिंह के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे। आइए वीडियो देखते हैं। वैसे तो आम दिनों के जैसा ही था 3 मार्च 1931 का दिन, लेकिन आम दिनों से एकदम अलग भी था, क्योंकि इस दिन भगत सिंह से उनके परिवार वाले अंतिम बार मिलने आ रहे थे। दादा सरदार अर्जुन सिंह भगत सिंह के पास जैसे तैसे हिम्मत बटोर कर आए और उनके सिर पर ऐसे हाथ फेरने लगे जैसे वे प्यार से बचपन में फेरा करते थे। उन्होंने बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके गले में जैसे कुछ अटक सा गया था। यह सोचकर ही उनका कलेजा मुंह को आ रहा था कि अब शायद उन्हें अपने पोते का मुंह देखना दोबारा नसीब न हो पाएगा, और वे दूर जाकर खड़े हो गए। भगत सिंह ने देखा कि उनके दादा आंखों में आए आंसुओं को जितना छिपाने की कोशिश करते थे, आंसू उतनी ही तेजी से आंखों में उतर आते थे। भगत सिंह ने खुद को ढाढ़स बिठाते हुए अपनी माँ से कहा कि बेबे जी, दादाजी अब बहुत कमजोर और बूढ़े हो गए हैं, उन्हें अब अकेले मत छोड़ना। भगत सिंह ने सभी को अलग अलग सांत्वना दी और फिर पिताजी से बोले कि आप हिम्मत रखना और सबको हिम्मत बनाना। अंत में अपनी माँ से भगत सिंह बोले, मेरी लाश लेने आप मत आना बेबी जी, कहीं आप रो पड़ी तो सब कहेंगे देखो भगत सिंह की माँ रो रही है। मेरी लाश लेने कुलबीर को भेज देना, वो बहादुर है। भगत सिंह की फांसी का दिन करीब आता जा रहा था, लेकिन भगत सिंह और अधिक खुश और तरोताजा होते जा रहे थे। उन दिनों उनसे बहुत से लोग मिलने आते थे, उनमें से एक थे एडवोकेट प्राणनाथ मेहता। मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजड़े में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे, और उन्होंने अपनी मुस्कान बिखेरते हुए मेहता का स्वागत किया और अपने खास लहजे में कहा कि आप मेरी किताब क्रांतिकारी लेने लाए हैं या नहीं। और जब मेहता ने उन्हें वो किताब दी तो भगत सिंह ने उस किताब को फटाक से लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। वो बिना समय गवाए इस किताब को दिल में उतार लेना चाहते थे। जब मेहता ने उनसे पूछा कि देश के लिए आपका कोई संदेश है क्या, तो वो बिना सोचे ही बोले कि सिर्फ दो संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और जब मेहता ने उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उनका उत्तर था बस यही कि फिर से जन्म लूं और मातृभूमि की और अधिक सेवा करूं। आखिर 23 मार्च 1931 की वह मनहूस सुबह भी आ पहुंची जिसकी हर फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। फांसी का दिन आ पहुंचा था। सुबह दोपहर में बदल गई थी। असिस्टेंट जेलर ने सभी कैदियों को अपनी अपनी कोठरियों में चले जाने का हुक्म दे दिया। सारे कैदी हैरान थे और सोच रहे थे कि आखिर माजरा क्या है, अभी तो दोपहर भी नहीं टली और सभी को अपनी अपनी कोठरियों में बंद रहने के लिए कह दिया गया। फांसी के कुछ घंटे पहले ही चीफ वार्डर सरदार छतर सिंह भगत सिंह के पास आए और बोले, बेटा इस आखिरी वक्त में मेरी एक बात मान लो और तुम वाहेगुरु का नाम लो और गुरुवाणी का पाठ कर लो। तो भगत सिंह मुस्कुरा के बोलते हैं कि आखिरी वक्त में ईश्वर को याद करूंगा तो वह सोचेगा कि यह कैसा बुज़दिल है, सारी उम्र तो मुझे कभी याद नहीं किया और जब मौत सामने है तो उसे मेरी याद आ गई। अब तो यही ठीक रहेगा कि जिस तरह से मैंने अब तक अपनी जिंदगी गुजारी है उसी तरह से मैं दुनिया से विदा लूं। मुझ पर यही इल्जाम तो लगेगा ना कि मैं नास्तिक था, या तो कोई नहीं कहेगा कि मैं बुज़दिल और बेईमान था और आखिरी वक्त में जैसे ही मौत को सामने देखा तो डर के मारे मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। इतना कहकर भगत सिंह फिर क्रांतिकारी लेनिन पुस्तक पढ़ने में डूब गए। और जब उन्हें फांसी के लिए जल्लादों ने बुलाया तो किताब पढ़ते हुए ही उन्होंने कहा कि थोड़ा ठहरो, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह की आवाज में कुछ ऐसा तेज था कि जल्लाद सहम कर ठिठक गए और भगत सिंह ने फिर से किताब पढ़ना जारी रखा। कुछ देर बाद उन्होंने पुस्तक छत की ओर उछाल दी और एकदम खड़े होकर बोले कि चलो चलते हैं।
थोड़ी देर बाद भगत सिंह के साथ साथ सुखदेव और राजगुरु को भी उनकी कोठरियों से निकाला गया। फांसी पर चढ़ने से पहले तीनों क्रांतिकारी जो पंक्तियां गा रहे थे उनमें से कुछ इस तरह भी थी, दिल से निकलेगी मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। इसके बाद भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए वहां उपस्थित मजिस्ट्रेट से कहा था कि मजिस्ट्रेट साहब, आप बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्हें अपनी आंखों से यह देखने का मौका मिल रहा है कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारी कैसे हंसते हंसते अपने आदर्शों के लिए मौत को गले लगाते हैं। तीनों ने अपना अपना फांसी का फंदा पकड़ा और उसे चूमकर ही अपने हाथ से गले में डाल लिया। भगत सिंह पास में खड़े जल्लाद से बोले कि जरा इन फंदों को ठीक कर दो। जल्लाद ने आज से पहले ऐसे शब्द कभी नहीं सुने थे। वह थरथरा उठा, उसने कांपते हाथों से फंदे ठीक किए, चरखी घूमी, तख्ता गिरा और तीनों क्रांतिकारी इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके पहले और इसके बाद जितने भी फांसियां हुई वे सब सुबह ही हुई थी। इसलिए अजीब बात थी कि 23 मार्च 1931 को शाम को 7 बजे के करीब इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। जेल के कैदियों को जैसे ही फांसी देने की भनक पड़ी, उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे बोलना शुरू कर दिए और यह देखकर ब्रिटिश सैनिक और डर गए और आनन फानन में जेल के पीछे की दीवार तोड़कर तीनों क्रांतिकारियों के शवों को सतलज नदी के किनारे ले जाया गया। और यह सब होते होते रात काफी गहरा चुकी थी। जैसे ही शवों में आग लगाई उसके कुछ देर बाद ही लोगों को इस बारे में पता चल गया और जलती चिताओं की तरफ एक विद्रोही भीड़ को आते देख ब्रिटिश सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। जब गांव वालों को पता चला कि यहां चोरी से तीनों क्रांतिकारियों के शव जलाए गए हैं तो फिर गांव वालों के जरिए इन अर्ध जले शवों का फिर से दाह संस्कार किया गया। इधर शवों का दाह संस्कार हुआ और उधर देश का चप्पा चप्पा रो रहा था। लोगों ने इससे पहले कई फांसियां देखी थी लेकिन जिस तरह इन तीनों क्रांतिकारियों ने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा था वो अपने आप में एक मिसाल बन गया। साथियों, भारतीय इतिहास में भगत सिंह एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन्होंने लेनिन की पुस्तक को पढ़ते हुए फांसी के फंदे को चूमा। 23 मार्च 1931 को फांसी का फंदा पहनने से पहले भगत सिंह को भारत में इंकलाब होने का पूरा यकीन था, जिसके कारण उनकी आवाज में इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते समय पूरा दमखम था। पर सवाल यह है कि इन नारों में आज भी वैसा ही दम है? हिस्ट्री की मिस्ट्री का ऐसा मानना है कि शहीदों और क्रांतिकारियों के जन्म और मरण दिवस पर उनकी पूजा करने के अलावा उनके विचारों को अधिक से पढ़ना चाहिए और उनके विचारों को देश के कोने कोने तक फैलाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।